हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। आज है 23rd of December, हो गई है शाम। बॉम्बे में हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई है और फिर से मास्क पहनना भी, कोविड का खतरा फिर से स्टार्ट हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग भी बाहर जाए तो मास्क पहन के ही जाए। और आ गई हूँ मैं अपने इवनिंग वॉक के लिए। एज यूजुअल आज हल्की सी ठंड हो रही थी बॉम्बे में। ये देखिए वेदर कैसा हो गया है। ये ग्राउंड बड़ा ही मल्टी फंक्शनिंग ग्राउंड है। यहाँ पे बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ बनाई हुई है बच्चों से लेके बड़ों के लिए। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए बड़ा ही प्यारा सा पार्क बना रखा है जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। और एक ओपन जिम टाइप का भी एक एरिया बना रखा है जो हमेशा फुल होता है। बहुत रेयरली कोई एक्टिविटी खाली मिलती है, तो मुझे आज ये मिल गई तो मैंने थोड़ा सा कर लिया। आप ये बैकग्राउंड में जो म्यूजिक सुन रहे हैं, यहाँ की भी एक ये एक स्पेशलिटी है। यहाँ पे लोग अपना माइक सेटअप साथ में लेके आते हैं और बड़े ही आनंद से गाना गाते हैं। यहाँ पे मुझे रिटर्न आते टाइम तुलसी वाले भैया दिख गए थे और मुझे बहुत टाइम से तुलसी ख़रीदनी थी घर के लिए। पहले थी तुलसी मेरे पास बट डोंट नो कैसे वो सूख गई, तो आज मुझे दिख गई तो मैंने ख़रीद ली घर के लिए तुलसी। एक्चुअली कल मैंने खा ली थी आइसक्रीम और जो कि मुझ पे ही भारी पड़ गई, उसके वजह से हो गया मुझे थोड़ा सा कोल्ड और अब मुझे लेना पड़ रहा है कप सिरप उसी के वजह से। बैक टू होम। यहाँ तुलसी जाएगी अपने फ्रेंड्स के पास। हो गया है डिनर का टाइम और बना रही हूँ मैं अपने लिए रोटियाँ। अरे वाह, रोटी फुल अपने जोश में फूलती हुई। कभी कभी ना मुझे क्रेविंग होने लग जाती है कि आफ्टर डिनर बहुत ही अच्छी सी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना के पीऊँ, और स्पेशली जब मुझे लग रहा हो कि मेरा गला बैठने वाला है या फिर थोड़ी सी भी हल्की सी ठंड फील होती है, मैं चाय बना के पी लेती हूँ। मैं कोई मौका नहीं छोड़ती चाय पीने का। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। कप ऑफ टी, थोड़ा सा कोल्ड जैसा फील हो रहा है तो चाय से बेटर फील होगा इसलिए मैं चाय पी रही हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा मिनी व्लॉग पसंद आया हो। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट। एंड सोने से पहले ऑल टाइम हिट फ्रेंड्स के एक दो एपिसोड देखना तो बनता ही है। What kind of emergency? Well, what if a man comes along and puts a gun to your head and says, "You ride this bike or I'll shoot you." Okay. I would ring the bell to distract him and then I would knock the gun out of his hand with the Chinese throwing